नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। दमदम सोना रोड पे एक दमदमा गांव है। दमदमा गांव में एक कंपनी है और कंपनी के आसपास जो कुछ गांव के लोग पानी के जो टैंकरों की सप्लाई करते हैं उनके बीच कुछ ही बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ उनको, और उस लड़ाई झगड़े में सोहना थाना पुलिस में, भवनछी थाना पुलिस में एक चार लोगों के, युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर वहां पर एक पंचायत का भी आयोजन किया गया है, जिसे पंचायत में सतवीर पहलवान, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर के सहित अन्य लोग सामाजिक हम इकट्ठे हुए थे पंचायत में, और उन्होंने फैसला किया कि भाई पुलिस से जाकर बात की जाए, दोनों मामलों के में सच्चाई क्या है उसकी पुलिस सही से जाँच करे। तो इस बारे में हमारे पत्रकार अशोक गर्ग ने थाना प्रभारी से बात की, तो आइए सुनाते हैं उनकी क्या बात। ये जो FIR है ये कंपनी वालों की तरफ से चार लोगों के खिलाफ करी है। कौन कौन है? 15-20 आदमी अन्य टैंकर को लेकर आपस में इनका झगड़ा था, वहाँ टैंकर का पानी सप्लाई होता है उसी को लेकर निकास में होगी, उससे इन्होंने कंपनी वाले आदमी लोगों को चोटें मार दी। ये इनके अपना लोकल आदमी है, चार आदमी और 15-20 और अन्य हैं, उनके खिलाफ FIR कर रखी है। उसमें प्रेमी है, एक बाबूराम है, चार पांच लोग ने, ये परसों की घटना है, सत्तर का रहने वाला है, वहाँ को सुपरवाइजर है कंपनी में, उसने दर्ज करवाया। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी पहले मारपीट हुई है, उन्होंने उस संबंध में कंप्लेंट दे रखी है जिसमें जांच चल रही है, जैसे भी कोई फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। अब इनको क्या आश्वासन दिया आपने? इनको यही कहा है भाई, उनको जो आप फैक्ट्स हमें को वेरीफाई करेंगे, जो फैक्ट्स में आती बात सामने आती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। जिनके खिलाफ मामला दर्ज करा है उन्होंने भी आपके पास तो कंप्लेंट दिया है? हाँ, उन्होंने भी कंप्लेंट दे रखी। उनका भी मामला दर्ज करा आपने? नहीं, उनको दर्ज नहीं किया था, उसको जांच चल रही है, उसको वेरीफाई करेंगे, कोई फैक्ट इस टाइप की बात आती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। थाने में आज हमारे काफी गांवों के इलाके के लोग आए हैं, जिसमें सभी पार्टियों के भी लोग हैं, सभी मौजूद आदमी भी हैं। जो कल परसों एक हादसा हुआ है, कंपनी का, हमारे गांव के पड़ोसी जो उसमें रहते हैं जिम्मेदार आदमी, उनका हुआ। कंपनी वाले जो भी बाहर से आके बढ़ाते हैं, ये आमतौर पर उनकी आदत ऐसी होती है, जो पड़ोस में आदमी रहते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर झूठे उठे सीधे केस डाल, इन्हें अपने चहेतों को काम दिलाने के चक्कर में जो वहाँ के लोकल आदमी हैं उनको अवॉइड करते हैं, उनके साथ जांच नहीं करते हैं। ऐसा ही ये हालत है, छोटी सी बात थी जिसका इतना बड़ा बवंडर बना दिया इन लोगों ने, गलती खुद ने करी, उल्टा उन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं, इन्होंने मारपीट करी है, ये हालत है। और पुलिस प्रशासन की, सरकार की भी हालत, पुलिस प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ रोज चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, लूटपाट होती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। अगर कोई पैसा वाला आदमी या कंपनी का आदमी किसी जिम्मेदार से कोई छोटी सी बात होती है तो भर भर के जिप्सियाँ पहुँचा देते हैं। ये रात को पुलिस में चोरियों को नहीं पकड़ते, वहाँ एक मिनट में चार चार जिप्सियाँ पहुँचा दी इन्होंने, इस बात के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। अब जांच नहीं होने देंगे इलाके में किसी के भी साथ, लापरवाही पुलिस की। जब हमारे बच्चे पहले पिटे, हमारे बच्चों को वहाँ घेर के बंधक बनाया गया, उनकी ना तो कंप्लेंट लिखी ना उनकी बात सुनी गई, बजाय उनके हमारे वालों के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इस वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। आगे की कार्रवाई हमने SHO साहब से कही है, सारे इलाके के ऊपर जो जायज है वो करें, अगर हमारी यहाँ भी सुनाई नहीं होगी तो हम आगे चाहे हमें CP के जाना पड़े, चाहे सरकार के पास जाना पड़े, कहीं भी जाते जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम बाबूराम है, मैं दमदमा ढाणी का रहने वाला। ये मामला ऐसा था, 17 तारीख को मेरा भतीजा GLS कंपनी में लेबर के पीने के लिए पानी लेते हैं, ये तो शाम को जब पानी डालने गया तो कंपनी का टैंकर होदी पे लगा हुआ था, तो उसमें गारा होने के कारण ट्रैक्टर रिपट के ट्रैक्टर कंपनी के ट्रैक्टर में टच हो गया टैंकर। टच होने के बाद कोई बात नहीं, सुबह 2 टैंकर हम देते हैं लेबर के पानी के लिए 5 बजे से 7 बजे तक, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जब छुट्टी लेबर की हो जाती है। लेकिन इन्होंने 18 तारीख को गार्ड से फ़ोन करा के और मेरे से कहा भाई एक टैंकर दोपहर को डाला अभी, मैंने कहा शाम को लेते हो पानी, उनको ज़रूरत है। जैसे ही मेरा बेटा नीरज BCOM सेकेंड का छात्र है, मैंने कहा बेटा तू जा पानी डाला, जैसे ही टैंकर एंट्री लेके अंदर घुसा 3BHK का जो इनका काम चल रहा है, तो वहाँ अंदर टैंकर घुसते हैं नहीं, गेट का ताला लगा दिया गया, और जब हौदी पे लेवर की पे पानी डाल रहा था तो पीछे से नरेंद्र यादव जो अपने को पूर्व SHO बताता है, बाबूलाल, रतनलाल और एक आहूजा नाम का है इनका GM है, तो उसके बाद जाके मेरे बेटे से कहने लगे कि भाई इसको ऐसे करो, खींच कर इसको जो पाइलिंग हो रही है 3BHK में उसमें इसको डाल दो और इसके ऊपर ऊपर से RCC डाल दो, RCC डालने। तो इस प्रकार जब उन्होंने गार्डों के पास फ़ोन किया बाउंस रोके, तो मेरे बेटे को मौका मिल गया। अंकल को फ़ोन किया तो अंकल ने 100 नंबर पर कॉल की, पुलिस थोड़ी देर होने के कारण नहीं आने के कारण हम खुद रुका नहीं गया कि हमारा बेटा विपता में है, तो हम खुद वहाँ पहुँचे।
तो ये चार पांच आदमी जिनका मैंने नाम बताया बेटे को ट्रैक्टर से नीचे खींच रखे थे और जाते नहीं, हमने धक्का मुक्की करके और बेटे को छुटाया। बेटे को छुटाने के बाद हम अपने पिछले गेट से आगे आ गए। फिर दोबारा हमारा भतीजा सोनामा था, उसको भी फ़ोन किया था, वो देखने गया कि मेरे भाई कहाँ नीरज, तो पूरा स्टाफ खड़ा था 15-16 और उन्होंने तरुण पे भी हमला कर दिया। तरुण को काफ़ी चोट आई, MLC कटी हुई है। और ये जो नरेंद्र यादव है ये कहता है तुमको इतना दुखी कर दूंगा कि तुमको ज़मीन औने पौने भाव बेच के यहाँ से जाना पड़ेगा।